in arkai in hologos proston theon kai theos in hologos. ये ग्रीक जॉन 1:1, ये ग्रीक का फलसफा कहां से आया? यीशु मसीह की जबान क्या थी? हमें बताएं जीसस वर्ड कहां से आया, हमें बताएं ये जॉन क्या होता है? जॉन कभी डिक्शनरी में देखें खोल के, ऑक्सफर्ड लर्नर्स कभी खोल के देखें जॉन का मतलब क्या है वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में, अ प्रोस्टिट्यूट कस्टमर और अ टॉयलेट, इनफॉर्मली और अ स्लैंग. हमने तो नहीं लिखा, द वर्ड है वो है जोनाथन, जॉन लिखा है हर जगह पर. आप खुद इस चीज की मौकरी करते हैं और फिर आप कहते हैं कि इस्लाम मौकरी करता है. इस्लाम किसी चीज की मौकरी नहीं करता. हम आपको दावत देते हैं, हम आपको ये कहते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, ये ट्रांसलेशंस हैं, ये ऐसे नहीं है जो आप समझते हैं. ये ट्रांसलेशंस के गुलाम कब से बन गए? दीन उतरता है सॉलिड. देखें यीशु मसीह की जबान ही नहीं पता आज तक. और जो ऑथर्स आप जिनको बूस्टिंग करते हैं और बूस्ट करते हैं, जॉन जो खास तौर पर सबसे ज्यादा डिवीनेशन की तरफ गया यीशु मसीह की, ये कौन है? आप इन पास्टर से पूछें, डिबेट्स इनसे करवा लें, चैलेंजेस ऑफ डिबेट्स, और ये जी बहुत ज्यादा इस्लाम को समझते हैं. मुझे सिर्फ इतना बताएं कि जो जॉन है, इस बंदे की टोटल बायोग्राफी क्या है, विद टोटल एंडोर्समेंट ऑफ द चेन्स ऑफ नरेटर्स, कहां से आए, कौन ये लोग हैं, आप हमें बताएं. हम आपको बताएंगे कि एक एक बायोग्राफीज ऑफ अ सिंगल पर्सन, सनद असनाद असमाउल रिजाल, द पीपल हु ब्रिंग द हदीस एंड कुरान, कॉम्पिलेशन ऑफ कुरान एज वेल एज कॉम्पिलेशन हदीस, हमारे पास टोटली इंटैक्ट विद एंडोर्स डॉक्यूमेंटेशन है. आपके पास क्या है? आपकी अपनी इंसाइक्लोपीडियाज बोलती हैं कि बुक ऑफ किंग्स अननोन ऑथर, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स अननोन ऑथर, देन बुक ऑफ ये जो है किंग्स सपोज टू बी रिटन बाय समवन, बुक ऑफ साम्स सपोज टू बी रिटन, कहीं भी 100% ऑथेंटिसिटी है ही नहीं. और जॉन चैप्टर 1:1 जो मैंने ग्रीक में पढ़ी थी, इन आर्काई इन होलोगोस प्रोस्टोंथियोन काइथियोस इन होलोगोस, इस वर्स को अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है कि ये जॉन ने, जॉन चैप्टर 1:3-4 पर लिखा हुआ है कि दिस इज जॉन हु इज राइटिंग दिस ऑल. ये जो शख्स कह रहा है दिस इज जॉन, ये कौन है? फोकस तो आप बड़ा करते हैं, इब्तदा में कलाम था, कलाम जो था वो खुदा के साथ था, वो कलाम खुदा था, मतलब कलाम खुदा था और खुदा के साथ था, मतलब दो खुदा है. किम सिंपल, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं, दो खुदा तो कंफर्म्ड हो गए. आप बोलते हैं कि ट्रिनिटी क्या है, 3 in 1, 1 in 3. यहां पर लिखा हुआ है इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो खुदा था, साथ था और खुदा था, मतलब टू थिंग्स हैं. फिर यीशु मसीह जिस्म में आ गए, नीचे लिखा हुआ जॉन चैप्टर 1:11-12 में, तो वो एक अलग वजूद है जिसको आप कह लें इंसानी वजूद है. सन ऑफ मैन 83 टाइम्स इन द बाइबल, सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन. तो मुझे आप बताएं कि ये क्या है सारा, हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस ऑल रैशनली? तो फिर वहीं पर आ जाता हूं, कहां बोला यीशु मसीह ने मैं रब हूं, कहां बोला मेरी इबादत करो? एक स्टेटमेंट बाइबल में दिखा दे, वो तो यही साबित करे कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं तो रसूल हूं. हर जगह कह रहे कि माय ओन पीपल रिसीव मी नॉट, प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड बाय देयर ओन पीपल. ये लिखा कि नहीं लिखा बाइबल में, प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड बाय देयर ओन पीपल. यीशु मसीह अपने आप को प्रॉफिट बोल रहे हैं, और प्रॉफिट और रब एक चीज नहीं होती. These are not synonymous terms in any dictionary, any theology, in any eschatology.